अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर भट्टी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ये देख आप मौसम चेक करें, ये मौसम देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला मौसम हुआ हुआ है। अभी मैं बाहर चल के आपको दिखाता हूं ज़रा, क्योंकि अभी मैं ये ग्राउंड वगैरह में हूँ। अभी जी आप मौसम देख सकते हैं, बड़ा हैवी मौसम हुआ हुआ है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, मैं इधर पढ़ने आया, मैं स्टडी भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो साथ ही दोस्तों के हम एक ग्राउंड भी आए थे, तो हमने कहा चलो ग्राउंड में जाके थोड़ी सी अपडेट दे दूं शाह भाई के बारे में कि वो किधर हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बहुत अहम इन्फॉर्मेशन मिली हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। अभी अजान हो रही है, अजान सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ सारी शाह भाई के बारे में। और मौसम अभी बहुत ज़्यादा बारिश वाला हो रहा है, सुबह तो बारिश भी हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब दोबारा मौसम हो चुका है बारिश वाला। मौसम चेक करें, बारिश हो रही है, कनियाँ पड़ रही हैं दोबारा बारिश की। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, आपको भी सीन चेक करवाते हैं। माशाल्लाह बड़ा हैवी मौसम हो रहा है, लेकिन शाह भाई के लिए बुरी बात होगी, क्योंकि वो अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो अभी जा रहे हैं बाहर, कुछ खाते पीते हैं, आपको भी सीन चेक करवाते हैं। ये जी हमारे अहमद भाई, अहमद भाई कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह झूले ले रहे हैं। और भट साहब क्या हाल चाल है? हमारे भट साहब हैं जी, भट साहब क्या हाल चाल है, कैसे हो? ठीक हो? झूले ले रहे हो? बच्चे बने हुए हो? चलाओ यार कुछ खाने चले। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे 10K सब्सक्राइबर्स में क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या खिला रहे हो फिर आज? यार मैं तो खिला दूंगा, लेकिन हमारे दोस्तों को क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा भैया आपने बहुत मेहनत की है, बड़ी जल्दी आपका चैनल ग्रो किया, माशाल्लाह बड़ी आपने एफर्ट किया इसके लिए। चलो जो ले लें, तो ज़्यादा तंग ना करो। वो ये सीन हुआ है कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है ना, जो फोर्सेज है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह हो गया था, इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ये मालूमात खुफिया रखी है। और यूट्यूबर्स को जो इस चीज़ को फैलाते हैं, मतलब कि वीडियोस वगैरह वायरल करते हैं बनाते हैं, तो वीडियोस वगैरह देख के लोग आ जाते हैं मिलने शाह भाई से, इसीलिए फिर सिक्योरिटी वगैरह की वजह से उन्होंने ये चीज़ खुफिया रखी है। और हमें भी ये चीज़ नहीं बताई कि वो शाह भाई किधर हैं और वो अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अंदर की बात हमें, मतलब के दोस्तों से हमने बातचीत की है जो उनके साथ दोस्त से, और मालूमात इकट्ठी की है, तो वो यही कह रहे हैं शाह भाई पाकिस्तान में ही हैं, बस उनका जो सफ़र है खुफिया रखा जा रहा है ताकि किसी को पता ना लगे और सिक्योरिटी को मेंटेन रहे। और काफ़ी ज़्यादा इंडियन यूट्यूबर अभी यही कह रहे हैं ईरान में है, लेकिन ऐसा कुछ हम तक ऐसी रिपोर्ट अभी नहीं आई। ऐसी रिपोर्ट आएगी तो आपको आपके साथ शेयर कर देंगे और आपको बता देंगे। जी दोस्तों, तो अभी हम आए हैं ज़रा नान चने खाने, अभी पा लिया था हमने, बस भूखा था, नाश्ता नहीं किया था, अभी नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और सारा कुछ बताते हैं, फिर डिस्कस करते हैं शाह भाई के बारे में। पहले ये लाहौरी नाश्ते हैं, आपको दिखाते हैं लाहौरी नाश्ते के मज़े लें पहले। ये व्हाट्सअप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ मजा ही आ गया। ये हैं लाहौर के पाकिस्तानी चने, बड़े मज़ेदार हैं, कभी आप पाकिस्तान आए तो ट्राई करें। जी दोस्तों, तो मौसम चेक करें, माशाल्लाह कितना सुहाना प्यारा मौसम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री होके घर आ चुका हूँ, और अब करते हैं बात के, अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, अब बात करते हैं, मेन बात करते हैं कि आखिर बात क्या है। पाकिस्तान की छोटी इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तानी जो एजेंसी है और जो बाकी फोर्सेस वगैरह हैं, पुलिस हो गई, इन्होंने इसलिए इस जो सफ़र को खुफिया रख रहे हैं, मतलब के हाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग शाह भाई तक ना पहुंच सकें। हम यूट्यूबर्स को भी कुछ नहीं बताया जा रहा, हमें ज़रा कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि शाह भाई किधर हैं, वो अभी पाकिस्तान में है या ईरान में चले गए हैं, हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा।
और हमें जहाँ तक हमने सोर्सेज से पता किया है जो उनके जाने वाले हैं उनके साथ होते हैं, हमने उनसे यही पता किया है कि वो शहाब भाई अभी पाकिस्तान में ही हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू कर दिया उन्होंने और सफ़र कर रहे हैं अपना। और उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि आज माशाल्लाह मौसम बड़ा बारिश वाला हुआ है, तो इसीलिए बारिश हुई भी है, थोड़ी बहुत हुई है, अब रुक गई है, फिर थोड़ी देर बाद होना शुरू हो जाती है, तो वो इसीलिए कि बारिश में अपना सफ़र कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। रही बात उन लोगों की जो कह रहे हैं कि जी वो ईरान चले गए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शहाब भाई किधर हैं, वेर इज शहाब भाई, वेर इज शहाब चूतर, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हमें जितना ज़्यादा रिसोर्सेज से पता हम खुद कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा खुद कन्फ्यूज़ हैं कि शहाब भाई किधर हैं, हमें क्यों नहीं बताया जा रहा उनके बारे में। उनके साथ दो चार यूट्यूबर्स हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि शहाब भाई के बारे में हमें कुछ बताएं, हम अपनी ऑडियंस को बता सकें, तो हमें यही बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में है और सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कि अपना वो सफ़र जितना ज़्यादा जल्दी कंटिन्यू करेंगे और ईरान तक पहुंचेंगे, उसके बाद हज का जो सफ़र है वो कंटिन्यू कर सकेंगे, इसीलिए फिर उनका जो ये सफ़र है वो हाइड रखा जा रहा है, उनका ये जो ट्रैवल है ये हाइड इसीलिए रखा जा रहा है कि लोग उनसे ना मिलें, क्योंकि एक दो दिन वो पाकिस्तान में रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे मिलने आ रहे थे और रश लग गया था, जिसकी वजह से उनका जो सफ़र है वो डिले होता जा रहा था, इसीलिए फिर उन्होंने यही फैसला किया है। शाह भाई ने भी यही फैसला किया होना है कि मैं इस सफ़र को अपने को हाइड रखूं, दूसरों से छुपा के रखूं, ताकि जल्दी से जल्दी मैं अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू करके ईरान पहुंचूं, पैदल सफ़र करके ईरान जाऊं और उसके बाद आगे जो मुख्तलिफ मुमालिक हैं मुल्क हैं उसमें जाऊं और अपना जो सफ़र है वो कंप्लीट करूं हज का, इसीलिए फिर ये सफ़र जो है हाइड रखा जा रहा है। हम सबसे हम यूट्यूबर से भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी वीडियोस देखती है आवाम, काफ़ी ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस देख के उनसे मिलने आ रहे थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने यही सोचा कि इस सफ़र को हाइड रखा जाए, जितना ज़्यादा हाइड रखा जाएगा उतना ज़्यादा फिर वो अपना जल्दी सफ़र कम्प्लीट कर सकेंगे। जैसे ही कुछ न्यूज़ आती है, कुछ न्यूज़ ऐसी आती है कि वो वाकई ईरान चले गए, तो हम इंशाल्लाह अब तक अपडेट कर देंगे, हम आपको बता देंगे, लेकिन हम तक अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं पहुंची, तो हम नहीं चाहते कि हम कोई फेक न्यूज़ पहुंचाएं कि वो ईरान पहुंच गए हैं, वो इधर हैं, वो इधर हैं, क्योंकि उनके चैनल पर जाएँ, उनके आई डी पर जाएँ, ऑफिशियल आई डी, उधर भी अभी पाकिस्तान की वीडियोज़ ही अपलोडेड हैं, ईरान की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं है, ना पिक अपलोड है। इंशाल्लाह जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो ईरान में पहुंच गए हैं, तो हम आपको उसी वक्त फौरन अपडेट दे देंगे कि वो ईरान में है। तो अब मैं यही कहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आप तक मुकम्मल डिटेल देते रहेंगे। मेरे पेपर्स चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये मार्च के स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाने और उसके बाद फिर ईरान तक जाएं, ईरान के बॉर्डर तक जाएं, गाजी शान जो हमारे भाई हैं वो पैदल हज के लिए जा रहे हैं, उनके साथ मिलें, उनके साथ जो है अपना सफ़र कंटिन्यू करें और आगे शहाब भाई को भी एक्सप्लोर करें। शहाब भाई अगर पाकिस्तान में, उनके साथ मिल के ईरान बॉर्डर उनको छोड़ के आएँ। इंशाल्लाह आपने स्टे ट्यून रहना है इस चैनल पर और हम एंड तक आपको सारी डिटेल्स वगैरह देते रहेंगे, और इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पे बहुत अमेजिंग अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग्स भी आते रहेंगे। हम अफगानिस्तान के बॉर्डर तक भी जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कराची भी मे भी हम जाएं, कराची जाएं उसके बाद ईरान बॉर्डर तक जाएं, और मे भी हाँ क्या पता हम ईरान भी जा सकते हैं, ईरान चले जाएं तो उधर जाके सारा जो कवरेज है वो करेंगे इंशाल्लाह। आपने इसीलिए स्टे ट्यून रहना है इस चैनल पे, और अब अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर लें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। पूरी टीम को ख़ासतौर पर मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट आती है हम आपसे शेयर कर देंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हम आपसे ऐसे मिलते हैं ऐसी मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।